महागठबंधन का जो रैली है वो फ्लॉप होगा। महागठबंधन की सरकार ठगों की सरकार है, धोखेबाजों की सरकार है, भ्रष्टाचारियों की सरकार है। बिहार की जनता बहुत परेशानी हालत से गुजर रही है और मैं नहीं समझता कि महागठबंधन में जो ठगों की जो टोली है उनके बुलाने पर कोई जाने वाला है और वो सुपर फ्लॉप साबित होगा। आज केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अमित शाह का बिहार आगमन है और साथ ही साथ पूर्णिया में महागठबंधन की भी महारैली। आपको बता दें कि आज अमित शाह वाल्मीकि नगर जाएंगे और उसके बाद पटना में भी किसान समागम को संबोधित करेंगे। तो वहीं महागठबंधन के सातों घटक दल पूर्णिया के रंगभूमि मैदान से भाजपा भगाओ देश बचाओ आंदोलन की एक तरह से शुरुआत करने जा रहे हैं, लेकिन इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से महागठबंधन की रैली पर हमलावर। भाजपा सांसद रामकृपाल यादव ने साफ तौर पर पहले ही भविष्यवाणी कर दी है कि महागठबंधन की रैली पूरी तरह से फेल होगी। वहीं अमित शाह जो हैं उनके विकास के कार्यों को देखते हुए लोगों का जुटान अमित शाह के कार्यक्रम में रहेगा। क्या कह रहे हैं सांसद रामकृपाल यादव, पहले सुने। देखिए माननीय अमित शाह जी आज वाल्मीकि नगर में भी जाने वाले हैं और इसके पहले भी आ चुके हैं। मैं समझता हूं कि जिस तरह से विगत 9 वर्षों में मोदी जी के कार्यकाल में संयुक्त से देश और बिहार के जो विकास में योगदान हुआ है और उसको कोई भूल नहीं सकता, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, नौजवान हो, बूढ़ा हो, बूढ़ी हो, सब कुछ में योगदान हुआ है। आज केंद्र सरकार के राशि से ही राज्य सरकार अपना चेहरा चमकाने की कोशिश कर रही है और ये सारी बातों की जानकारी है कि महागठबंधन का जो रैली है फ्लॉप होगा। उससे कई गुना अधिक अब से कोई 3-4 महीना पहले जब अमित शाह जी आए थे उसी सीमांचल के इलाके में तो अद्भुत रैली हुआ था। मैं समझता हूँ उसका एक हिस्सा भी आज के इस पूर्णिया के रैली में, जो महागठबंधन का रैली जिसमें 7-8 लोग मिल करके ताकत लगा करके भी उतनी व्यवस्था नहीं कर पाएंगे, उतने लोगों को नहीं जुटा पाएंगे क्योंकि आकर्षण नहीं है। महागठबंधन की सरकार ठगों की सरकार है, धोखेबाजों की सरकार है, भ्रष्टाचारियों की सरकार है, लोगों के किसानों विरोधी किसान विरोधी सरकार है, नौजवान विरोधी सरकार है और ऐसे विरोधी सरकार को बिल्कुल आज जो भ्रष्टाचार का प्रकाष्ठा हो गया है उसके संरक्षण में, सरकार के संरक्षण में भ्रष्टाचारियों को पूरे तौर पर छूट है, जो लूट सके तो लूट लो। तो मैं समझता हूँ कि आज बिहार की जनता बहुत परेशानी हालत से गुजर रही है और मैं नहीं समझता कि महागठबंधन में जो ठगों की जो टोली है उनके बुलाने पर कोई जाने वाला है और वो सुपर फ्लॉप साबित होगा पूर्णिया का महागठबंधन की रैली। सीधे तौर पर रामकृपाल यादव ने साफ साफ कह दिया है कि महागठबंधन की जो रैली है उसमें 1/4 आदमी भी नहीं पहुंचेंगे जितने अमित शाह और जेपी नड्डा की रैली में पहुंचते हैं और पहुंचेंगे। और महागठबंधन की रैली पूरी तरह से फेल है, ये जो सातों फर्जी दल हैं उनका जो जमावड़ा हो रहा है उससे कोई फायदा नहीं पहुंचेगा। हालांकि महागठबंधन की ओर से ज़रूर ये दावा किया जा रहा है कि 2024 में भाजपा को देश की गद्दी से हटाने की ये तैयारी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है और 2024 में भी नरेंद्र मोदी ही भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। अब देखना होगा कि आज सियासी शनिवार में किसकी सियासत जो है वो ज़्यादा चमकती है, जनता को आकर्षित कौन कर पाता है, बीजेपी या फिर महागठबंधन। ये तमाम जानकारी हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे। तब तक के लिए बने रहें दैज न्यूज़ के साथ और देखते रहें दैज न्यूज़। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना तो कीजिए हमारे नंबरों पर संपर्क।